हाउ यू गाइस, सो कैसे हैं आप सभी लोग। सबसे पहले आप सभी को हैप्पी गांधी जयंती। ओके, आज जो 2 अक्टूबर है, आज मैं थोड़ा सा गांधी, महात्मा गांधी के बारे में आपको बताऊंगा। वैसे तो आपको महात्मा गांधी के बारे में यूट्यूब पे, गूगल पे बहुत सारे ऐसे मिल जाएंगे। मैं थोड़ा सा आपके साथ जिक्र करूँगा हम महात्मा गांधी जयंती क्यों मनाते हैं। ओके, इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ज़रा सी स्किप मत करिएगा। आई होप आपको ये भी वीडियो थोड़ी सी अच्छी लगेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो बिना किसी देरी से। महात्मा गांधी जयंती हम मनाते हैं आज 2 अक्टूबर वाले दिन। ये हम मनाते हैं क्योंकि इस दिन महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था। ओके, सो गांधी जयंती इज एन इवेंट सेलिब्रेटिंग इन इंडिया टू मार्क द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ महात्मा गांधी। हम जी गांधी जयंती मनाते हैं क्योंकि इस दिन महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था। महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था। पोरबंदर, पोरबंदर ये उनका गांव था जहां पे उनका जो था जन्म हुआ था। तब जो यहाँ पे था ब्रिटिश राज होता था, ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश राज होता था हमारे इंडिया में। ओके, सो इसको एंड इट इज़ वन ऑफ द 3 नेशनल हॉलीडे ऑफ इंडिया। ये 3 नेशनल हॉलीडे के अंदर आता है महात्मा गांधी जयंती। फर्स्ट हो गई 26 जनवरी, 15 अगस्त एंड 2 अक्टूबर। ये हमारे जो 3 नेशनल हॉलीडेज हैं, ये उनमें से एक है। और जो यूएन जनरल असेंबली है, यूनाइटेड जनरल असेंबली, इसको 15 जून 2007 को एक रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया था उन्होंने। 2 अक्टूबर वाले दिन हम मनाएंगे इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस। ओके, हम इस दिन को मनाते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस। हम जैसे कि महात्मा गांधी जयंती होती है, वैसे ही इस दिन हम मनाते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस। ओके, सो ये 2 अक्टूबर को ये हम मनाते हैं। ये कब अनाउंस हुआ था कि हम इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस मनाएंगे? ये अनाउंस हुआ था 15 जून 2007 को। सो चलिए आगे मैं थोड़ी सी बात कर देता हूँ महात्मा गांधी जी के जन्म के बारे में। डेथ कब हुई थी, उनके चाइल्ड कौन थे, उनकी वाइफ कौन थी, फादर एंड एटसेट्रा, सम गुड थिंग अबाउट द महात्मा गांधी जी। बोन सबसे पहले उनका पूरा नेम आ जाता है मोहनदास करमचंद गांधी। उनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर में, पोरबंदर स्टेट, कथीवाल एजेंसी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, ब्रिटिश इंडिया। ये पूरा उनका एड्रेस था। ओके, सो डाइड, वो जब उनको मृत्यु आई वो कब आई? 30 जनवरी 1948 को। तब वो कितने साल के थे? तब वो 78 साल के थे और दिल्ली में वो मरे थे। कॉज ऑफ डेथ, वो मरे कैसे थे? गनशॉट, गोली मारने से उनकी हत्या कर दी गई थी। नथुराम गोडसे ने महात्मा गांधी जी की गोली मारकर हत्या कर दी, 3 गोलियां मारकर हत्या कर दी थी। मोनूमेंट, मोनूमेंट होता है उनकी याद में कौन कौन से स्थान बने हुए हैं। राजघाट, गांधी स्मृति, ये दो हैं जो महात्मा गांधी की याद में मोनूमेंट्स बने हैं। अदर नेम, महात्मा गांधी उनके क्या नेम थे? महात्मा गांधी थे, बापू जी कहते थे, गांधी जी कहते थे, एमके गांधी कहते थे, एमके गांधी भी कहते थे महात्मा गांधी जी को। सिटीजनशिप उनकी कहाँ थी? कि इंडिया की सिटीजनशिप थी, लेकिन वो पढ़ने के लिए लंदन गए थे। उन्होंने एलएलबी की डिग्री की हुई थी। एलएलबी डिग्री मींस कि वो लॉयर थे, लाइक मी, लाइक हमारी तरह जो लॉ स्टूडेंट थे, वो भी एक लॉ स्टूडेंट थे। यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन, यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में उन्होंने एलएलबी की थी। ऑक्यूपेशन, वो कौन कौन से ऑक्यूपेशन से बिलोंग करते थे? ऑक्यूपेशन वो क्या क्या काम करते थे? एक तो वो लॉयर थे, एडवोकेट थे, दूसरा वो पॉलिटिशियंस थे। पॉलिटिशियंस जैसे कि नेता होते हैं, वो भी एक नेता थे, एक्टिविस्ट थे और राइटर भी थे महात्मा गांधी जी। ओके गाइस, सो यर एक्टिव, वो कब से लेकर कब तक एक्टिव रहे? 1893 से लेकर 1948 तक वो एक्टिव रहे थे। ईरा, ब्रिटिश राज, मैंने आपको बताया जब महात्मा गांधी जी यहाँ पे थे तब ब्रिटिश राज था यहाँ पे। नोन फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट एंड नॉन वायलेंट रेसिस्टेंस। महात्मा गांधी जी का एक और सिद्धांत था कि अगर कोई आपसे हिंसा करता है,
ओके, अगर कोई आपसे हिंसा करता है, हमें हिंसा नहीं करनी चाहिए। उनके तीन सिद्धांत भी थे, बुरा ना सुनो, बुरा ना बोलो और बुरा ना देखो। ये भी महात्मा गांधी जी के ही वचन थे। ओके गाइस, सो इंडिया इंडिपेंडेंस मूवमेंट उन्होंने चलाई और नॉन वायलेंस रिसिस्टेंस भी उन्होंने ही चलाया। ओके, वो कहते थे कि मैं हिंसा में विश्वास नहीं रखता हूँ। ओके, कोई एक मारता है तो आप दूसरी गाल आगे कर दो, वो शर्म से ही नहीं मारेगा आपको, वो शर्म से ही मर जाएगा। ओके, ऑफिस ऑफिस उनका क्या था? प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो महात्मा गांधी जी थे वो कांग्रेस से बिलोंग करते थे, वो और प्रेसिडेंट भी रहे हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के, वो प्रेसिडेंट भी रहे हैं। टर्म ऑफ ऑफिस उनकी क्या थी? 1924 से लेकर 1925 तक उन्होंने नेशनल कांग्रेस में रहे। पॉलिटिकल पार्टी मैंने आपको बता दिया, कांग्रेस से भी बिलोंग करते थे। मूवमेंट्स, इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट उन्होंने चलाई। स्पाउस, स्पाउस मीन्स होता है उनकी घरवाली, कस्तूरबा गांधी। ओके, ये उनकी घरवाली थी, वो 1883 से लेकर 1944 तक वो रहे। चिल्ड्रन के नेम उनके हरीलाल, मनीलाल, रामदास और देवदास, ये उनके चार जो थे वो बच्चे थे। कौन कौन से? हरीलाल, मनीलाल, रामदास एंड देवदास, ये भी आपको याद रखना चाहिए, कई बार क्वेश्चंस भी आ जाते हैं इसके रिलेटेड। पेरेंट्स, करमचंद गांधी। ओके, करमचंद गांधी से उनके फादर का नाम एंड पुतली बाई था उनकी मदर का नाम। ये जो आप देख रहे हो ये महात्मा गांधी जी के सिग्नेचर हैं। ओके, ये ओरिजिनल सिग्नेचर है महात्मा गांधी जी के। सो आई होप आपको ये आज की वीडियो, छोटी सी वीडियो महात्मा गांधी जी के ऊपर पसंद आई होगी। आई थिंक आपको ये वीडियो बोरिंग नहीं लगी होगी। सो आप मुझे कमेंट करके बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी, बोरिंग लगी या थोड़ी सी इंटरेस्टिंग थी, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। ओके, सो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, मैं ऐसे ही और ही स्टडीज़ की वीडियोस इस चैनल पे लेकर आता रहूँगा। थैंक यू सो मच।